और चलिए 11 बजे की 11 ब्रेकिंग, आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज गुजरात चुनाव को लेकर है। आज चुनाव आयोग गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। गुजरात चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारी अपूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पिछली बार की तरह इस बार भी गुजरात में दो चरणों में चुनाव होगा। नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले हफ्ते में ही चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो काउंटिंग की तारीख 8 दिसंबर रहेगी। खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन। ईडी ने हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी को हाल ही में खनन मामले में आरोपी और हेमंत सोरेन के करीबी कही जाने वाले पंकज मिश्रा के घर से छापा मारा था। छापे के दौरान हेमंत सोरेन के बैंक पासबुक और हस्ताक्षर हुई चेकबुक मिली थी। ईडी की जांच में पता चला है कि साहिबगंज में अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी जिले के अधिकारियों को मुख्यमंत्री का नाम लेकर डराते थे, धमकी भी देते थे। कर्नाटक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया युद्ध और महामारी की चपेट में है, भारत के साथ मिलजुल कर काम करने पर जोर दे रहा है। हमने देश में कारोबार के लिए एक माहौल तैयार किया है, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने पर काम कर रहे हैं, युवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने का मौका दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन। शाह आज प्रदेश में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अमित शाह नादौन में जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में एक और नालागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज हिमाचल में रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ हमीरपुर की भौटा मंडी के सकराघट और सोलन में जनसभा को संबोधित करेंगे। अगली ब्रेकिंग, मोरबी पुल की मरम्मत करने वाली और ओरवा कंपनी की संवेदनहीनता पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ। ओरवा कंपनी सिर्फ टेम्पररी रिपेयर करके ही पुल चालू करने को तैयार थी। न्यूज 24 के पास ओरवा कंपनी की चिट्ठी मौजूद है। ये चिट्ठी 2020 में मोरबी के कलेक्टर को लिखी गई थी। चिट्ठी में टेम्पररी रिपेयरिंग के बाद पुल को खोलने की इजाजत मांगी गई थी। मोरबी हादसे का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुल टूटने के बाद लोग पुल पर अपनी जान बचाने के लिए लटक गए हैं। दिल दहला देने वाला यह वीडियो बता रहा है कि हादसा कितना भयानक था। मोरबी हादसे में 137 लोगों की मौत हो गई। वहीं आज गुजरात में राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय राजकीय शोक के दौरान राज्य में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका है और कोई समारोह या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या से ईडी की पूछताछ। ईडी मुख्यालय में सुकन्या से पूछताछ। सीबीआई दफ्तर पहुंचे सुकन्या मंडल। इससे पहले सुकन्या को ईडी ने पिछले 27 अक्टूबर को दिल्ली तलब किया था, लेकिन बंगाल से बाहर होने का हवाला देकर सुकन्या नहीं गई। उसके बाद ईडी ने सुकन्या को दूसरी बार नोटिस भेजा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सेना के जवानों ने अवंतीपोरा में एनकाउंटर के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। वहीं अनंतनाग के सेमथान में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया। मुंबई के दादर में एक स्कूल के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। दादर के छबील दास स्कूल में रसोई गैस में रखे 4 सिलेंडर एक के बाद एक फट गए। हादसे में स्कूल के 3 कर्मचारी घायल हो गए। वहीं स्कूल की इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसा सुबह 5 बजे हुआ, जब स्कूल में बच्चे नहीं थे, वरना सिलेंडर ब्लास्ट बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि सिलेंडर विस्फोट क्यों हुआ, इसके कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच अहम मुकाबला होगा। साउथ अफ्रीका से हार के बाद टीम इंडिया के लिए आज बेहद अहम मैच है। भारत को जीत की लय पाने के लिए बांग्लादेश को पटकनी देनी ही होगी। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब उल हसन ने टीम इंडिया के खिलाफ उलटफेर का दावा किया है। शाकिब ने कहा कि दबाव भारत पर है क्योंकि वो कप जीतने आया है, हम नहीं। एडिलेड में होने वाले मैच में बारिश की आशंका है। भारत बांग्लादेश के बीच अब तक 11 मुकाबले हुए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 10 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश मात्र एक मैच ही जीत सका है। अगले 48 घंटे के अंदर दुनिया में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान उसके ऊपर अगले 48 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। अमेरिका इस धमकी पर बहुत बारीक नजर बनाए हुए है और सऊदी अरब को भरोसा दिया है कि वो किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। ईरान ने क्योम शहर की ऐतिहासिक जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है, जिसका मतलब युद्ध का ऐलान होता है।